भाई और बहनों, किसान की आय बढ़ाने के लिए जो प्रयास बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने किए हैं, उसकी वजह से गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की आय में बढ़ोतरी देखी जा रही है। किसानों की आय में बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, इसकी वजह से भी काफी वृद्धि हुई है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि जो भूमिहीन किसान है, जो सबसे गरीब होते हैं, उनकी आय में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी तरह बहुत छोटी जमीन वाले किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। यानी फसलों के अलावा आय के वैकल्पिक माध्यमों पर काम करने की रणनीति आज काम आ रही है। खादी और ग्रामोद्योग भी इसका एक उत्तम उदाहरण है। खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर पहली बार 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर गया है। यही कारण है कि बीते 8 वर्षों में इसी क्षेत्र से 1.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार गांव में बने। 2014 से पहले के 7-8 सालों की तुलना में बीते 8 सालों में मधुमक्खी नो उछेर, मधनु उत्पादन, अने मने तो साबर डेरीए कहू हवे अमे पण आखा साबरकांठा में मधना उत्पादन माटे खेडूतोने तैयार कर रहा छे, एमने बॉक्स आपी रहा छे। अने आटला टूंका गाळामां मधनु उत्पादन लगभग डबल थवा पहोंच्युं छे, लगभग डबल। आ एक वधारानी आवक। अने खेतरमां मधुमक्खी होय ने एटले ए भी तमारा साथियानी जेम काम करे, खेत मजूरनी जेम तमारी मदद करे। मधुमक्खी खेतीमां पूरक थाय, एटलुं ज नहीं पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग बनाकर 10% थी वधारे आज आपणे पेट्रोल में इथेनॉल एने मेळवीए छे। आ इथेनॉल बने छे केवी रीते? शेरडीना साठामांथी, शेरडीमांथी, मकाईमांथी। एटले अत्यार सुधी खाड़ीनु तेल आवतु तु, हवे एमां जाड़ीनु तेल पण भळवा माड्यु। अने खाड़ीनु ने जाड़ीनु तेल मळीने आजे आपणा वाहनो दोड़े छे अने पर्यावरणनी पण रक्षा थाय छे। 2014 तक देश में 40 करोड़ लीटर से भी कम इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी। आज ये करीब 400 करोड़ लीटर तक पहुंच रहा है। हमारी सरकार ने बीते 2 वर्षों में विशेष अभियान चलाकर 3 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं। पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है।